नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफिल-ए-मुशायरा। महफिल-ए-मुशायरा में आप हर बार मिलते हैं हमारे नए शायरों से और सुनते हैं दिल की बातें, एहसास की बातें। और आज जो हमारे मेहमान शायर हैं, मैं ये दावे के साथ हूँ आज कि जब आप टीवी के आगे एक बार आ गए तो टीवी छोड़कर, महफिल को छोड़कर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि आज एक एक शेर कोट करने वाला है, नोट करने वाला है। जज्बात की शायरी है, एहसास की शायरी है, ज़िंदगी को बयां करते हुए शेर एकदम आने वाले हैं दिल से दिल तक, क्योंकि रूह की आवाज़ है शायरी। और बड़े कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को कहने का सलीका है, तरीका है शायरी। और ये अंदाज़ शायरों के अलावा और किसी के पास हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, और आप जानते हैं कि प्राकृतिक अंधेरा तो सूर्य से दूर होता है, लेकिन मन का अंधेरा गीतों से, नगमों से, गज़लों से, शायरी से ही दूर होता है, क्योंकि दिल की बात कही जाती है, दिल को समझाने की बात की जाती है, दुनियादारी की बात की जाती है। और आज कुछ इसी अंदाज के शायर हमारी महफिल में आज रौनक लिए हुए हैं, महफिल की शान है। और बगैर देर किए बस यही बात कहूँगी कि है अंधेरा बहुत, आओ रोशनी करें, है अंधेरा बहुत, आओ रोशनी करें, गज़लों से, नगमों से रोशन ये महफिल करें। तो देर कैसी, तारुफ कराती हूँ आज के हमारे मेहमान शायरों से। और जो हमारे शायर आज हैं, आप देख रहे हैं मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, और कहने के बाद तो मुस्कुरा भी देंगे। तो शुरुआत करते हैं परिचय से, तारुफ से। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं मुसव्विर होशियारपुरी जी, मुसव्विर जी। और मेरे दाईं ओर इधर देखिए, आप बैठे हैं डॉक्टर जितेंद्र परवाज। और मुसव्विर जी के ठीक बगल में बैठे हैं पवन मुंतजिर जी। और दोस्तों, आते हैं डॉक्टर जितेंद्र परवाज के पास, और इनके ठीक बगल में बैठे हैं लवेश शर्मा रघु, जो कि रघु के नाम से लिखते हैं। तो दोस्तों, रघु, जितेंद्र जी, मुसव्विर जी और मुंतजिर साहब हमारे साथ बैठे हैं। और अब देर कैसी, शुरुआत करते हैं मुशायरे की। और इस अंदाज के साथ कहती हूँ कि हमारे आज के शायर वो शायर हैं जो संजीदा बातें भी करते हैं, ऐसी शायरी करते हैं जिसमें संजीदगी है, और जो संजीदा हो जाना हमारी आदत भी है और आज की हमारी ज़रूरत भी है, क्योंकि ज़िंदगी को समझने के लिए थोड़ा सा संजीदापन ज़रूरी है। और इसी अंदाज के जो शायर हैं आज हमारे, पवन मुंतजिर जी। और पवन जी, बात शायरी की है पवन जी के लिए, तो मैं यही कहूँगी कि अपने माँ बाप से हिसाब ना कर, अपने माँ बाप से हिसाब ना कर, तू बड़ा कर्जदार निकलेगा, अपने माँ बाप से हिसाब ना कर। कुछ इस अंदाज में शायरी कहते हैं, और मैं बड़े एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, सम्मान के साथ दावत दे रही हूँ, आमंत्रित कर रही हूँ पवन मुंतजिर जी को। जी, तो अभी खजाना लिए बैठे थे। हाँ जी, हाँ जी, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हाजरीन का जी, और तमाम नाजरीन का जस्ट टीवी के। स्वागत है जी। गजल का मतला पेश करता हूँ जी। संजीदगी से हटकर एक कलाम है, आपने संजीदगी की बात की है, ये मोटिवेशन का जी। अर्ज किया है कि न देख संगोखार अपनी चाल में कमाल कर, न देख संगोखार अपनी चाल में कमाल कर, ये जिंदगी कमाल है कमाल में कमाल, कमाल कर। क्या बात है, ये जिंदगी कमाल है कमाल है, कमाल में कमाल में कमाल कर, कमाल कर। अगर है तू उड़ान पर तो आसमां को छू गया, वाह वाह। अगर है तू उड़ान पर तो आसमां को छू के आ, फंसा हुआ है जाल में तो जाल में कमाल कर, वाह वाह वाह। ये जिंदगी कमाल है, बहुत अच्छा नया पहलू है पवन जी, वाह वाह। कमाल कर जाल में कमाल कर, यहाँ हर एक चीज का मयार देखते हैं सब, अच्छा जवाब चाहता है तो सवाल में कमाल कर, ये जिंदगी क्या बात है, कमाल है, कमाल कर, कमाल कर।
वाह वाह वाह। और शेर देखें कि ये इश्क तो है बंदगी, तू देख यार की खुशी। अच्छा, ये इश्क तो है बंदगी, तू देख यार की खुशी, तू हिजर में कमाल कर, विसाल में कमाल कर। ये जिंदगी कमाल है, कमाल में कमाल कर। और ये भी शेर देखें कि कलम है तेरे हाथ में, कलम है तेरे हाथ में, तू बात ढूंढ बात में। क्या कलम है तेरे हाथ में, कलम है तेरे हाथ में, तू बात ढूंढ बात में। गजल के शेर नज्म के ख्याल में कमाल कर, ये जिंदगी कमाल है, कमाल कर। क्या कहने पाऊं। और ये एक अलग रंग का शेर हुआ है, दिए तुझे अवाम ने जो फिर से खास हुआ। दिए तुझे अवाम ने जो फिर से खास आम ने, नहीं है कम तू और 5 साल में कमाल कर। ये जिंदगी कमाल है, बहुत कमाल में कमाल कर। क्या गजल। और मख्तार्ज है, खुशी में गम में वक्त के सितम करम में मुंतजिर। खुशी में गम में वक्त के सितम करम में मुंतजिर, बहार या खिजां हर एक हाल में कमाल कर। बहार या खिजां हर एक हाल में कमाल कर, ये जिंदगी कमाल है, कमाल में कमाल कर। न देख संगो खार अपनी चाल में कमाल कर। क्या बात है, क्या शेर। ये जिंदगी कमाल है, कमाल में कमाल। और मुंतजिर साहब ने बहुत ही कमाल कर दिया है, क्योंकि कमाल की गजल थी और कमाल ही कमाल था। और कुछ आगे बढ़ती हूँ कमाल करने के लिए, और मैं दावत सुखन जिनको दे रही हूँ, मैं उनके बारे में बता दूँ कि बड़े आसान शब्दों में बहुत गहरी बात कहते हैं और बड़ी नज़ाकत से एहसास को बयां करते हैं, कलमबद्ध करते हैं। और मैं दावत सुखन देती हूँ, या यूँ कहूँ हिंदी में कि निमंत्रण देती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। बहुत ही जाने माने शायर हैं मुसव्विर फिरोजपुरी साहब, और उनको बड़े अंदाज से बुलाती हूँ उन्हीं के शेर से कि अना की जंग ने बर्बाद कर दिए रिश्ते, अना की जंग ने बर्बाद कर दिए रिश्ते, अगरचे इश्क है तो सर झुका लिया जाए। अगरचे इश्क है तो फिर सर झुका लिया जाए। तो सादर आमंत्रित करती हूँ मुसव्विर फिरोजपुरी साहब को। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सखी जी। जी, एक बिल्कुल ताज़ा गजल स्वागत। मतलब पेश नजर कल ही हुई होगी, कल जैसे ही लगा लो। जी, कुछ स्वागत है जी। कि एक वक्त में दो इश्क हैं, एक वक्त में दो इश्क हैं, गफलत का मजा ले। क्या बात है, एक वक्त में दो इश्क हैं, गफलत का मजा ले, तीनों की मोहब्बत में सियासत का मजा ले। एक वक्त में दो इश्क हैं, गफलत का मजा ले, और तीनों की मोहब्बत में सियासत का मजा ले। इज्जत तुझे देती है, मोहब्बत नहीं करती। वाह, इज्जत तुझे देती है, मोहब्बत नहीं करती, ये उसकी नियामत है, नियामत इज्जत तुझे देती है, मोहब्बत नहीं करती, ये उसकी नियामत है, नियामत का मजा ले। और शेर सुनिए, जिंदर के बिगड़ा है तलफ्फुज तो परेशान ना हो इतना, बिगड़ा है तलफ्फुज तो परेशान ना हो इतना, वो शेर तो पढ़ती है नजाकत का मजा। क्या बात है, क्या है बात, क्या बात, क्या कहने, क्या कहने। बिगड़ा है तलफ्फुज तो परेशान ना हो इतना, जिंदाबाद, वो शेर तो पढ़ती है नजाकत का मजा ले। वाह वाह वाह। और शेर सुनिए कि मत सोच खुदा है कि नहीं है कि कहाँ है। अच्छा, वाह। मत सोच खुदा है कि नहीं है कि कहाँ है, जो आह से निकली उसी आयत का मजा ले। बहुत खूबसूरत। मत सोच खुदा है कि नहीं है कि कहाँ है, जो आह से निकली उसी आयत का मजा ले। ऐसे जो आह से निकली उसी आयत का मजा ले, हर कर्ज उतर जाएगा तू फिक्र न कर यार,
हर कर्ज उतर जाएगा तो फिक्र न कर यार, मोहलत जो मिली है उसी मोहलत का मजा ले। अच्छा, ये सुनिए कि हंस हंस के लगाती है रकीबों को गले से। अच्छा, हंस हंस के लगाती है रकीबों को गले से, उस शोख गजाले की शरारत का मजा ले। क्या बात है, क्या शेर पढ़ा है, वाह वाह वाह। उस शोख गजाले की शरारत का मजा ले। और आखिरी शेर गजल का कि ऐसे तो किसी शख्स को मुंह भी ना लगाए। क्या बात है, ऐसे तो किसी शख्स को मुंह भी ना लगाए, वो पास बिठाती है रियायत का मजा ले। क्या बात है, क्या बात है, क्या सिर्फ। ऐसे तो किसी शख्स को मुंह भी ना लगाए, वो पास बिठाती है तो बिठाती है रियायत का मजा ले, तीनों की मोहब्बत में सियासत का मजा ले। क्या बात है दोस्तों, मुस्तफिर साहब ने बड़े अंदाज में कहा, राजनीति पर तीखा व्यंग भी था, और मैं तो कहती हूँ कि ज़िंदगी को बयां करने का हौसला भी रखना चाहिए, शायर के अलावा ही किसी के पास नहीं होता हकीकत को बयां करना। आगे बढ़ते हुए जिन शायर को दावत सुखन दे रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि नौजवान शायर जो बहुत ही कम वक्त में अपनी खास पहचान बना चुके हैं अपने अंदाज व अदा के साथ। अदा मैं इसलिए कह रही हूँ कि लड़कियों में नज़ाकत और अदा होती है, लेकिन उनकी हर बात में अदा है, उनकी शायरी में अदा है। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जतिंदर परवाज साहब की, और मैं उनको दावत सुखन देती हूँ इस शेर के साथ कि उन्हीं का शेर है, और उन्हीं के शेर से उनको दावत देती हूँ कि भाई दिल्ली सुखनवरों का है मरकज मगर मियाँ, दिल्ली सुखनवरों का है मरकज मगर मियाँ, उर्दू के कुछ चिराग तो पंजाब में भी हैं, कुछ इस अंदाज में कहते हैं। और जी जतिंदर परवाज जी, बहुत शुक्रिया जी। उर्मिल सखी साहिबा, एक गजल का मतला समाप्त कीजिए। देखिए, समाप्त कराने से पहले मैं एक बात कह दूं, आज मुझे साहिबा कहा गया है और उर्दू के शायर हैं तो भाई साहिबा और साहिब चलेंगे आज। जी साहब, शुक्रिया। मैं एक गजल पढ़ना चाह रहा हूं। जी जी, और मतला समाप्त कीजिए। हाँ जी, कि नजर का चश्मा उतर गया है, चमक उठी हैं हमारी आंखें। क्या बात है, नजर का चश्मा उतर गया है। चमक उठी हैं हमारी आंखें, निगाह अपनी तो बढ़ गई है जब से देखी तुम्हारी आंखें। क्या बात, बहुत खूब। नजर का चश्मा उतर गया है, बहुत शुक्रिया। चमक उठी हैं हमारी आंखें, निगाह अपनी तो बढ़ गई है जब से देखी तुम्हारी आंखें। शेर समाप्त कीजिएगा जी। तुम्हें पता ही नहीं है इसका, शराब पीना छुड़ा चुकी हैं। अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं है इसका, और सखी साहिबा समाप्त कीजिए जी, साहिबा पूरा सुन रही है। तुम्हें पता ही नहीं है इसका, शराब पीना छुड़ा चुकी है ये मैं कदे से, ये मैं कशों की, ये जाम जैसी तुम्हारी। क्योंकि मैं आज इकलौती शायरा हूँ, संचालिका भी हूँ, तो मुझ पे सारे तीर गिर रहे हैं जी। बहुत खूबसूरत शेर है, वाह। तुम्हें पता ही नहीं है इसका, जी शराब पीना छुड़ा चुकी है ये मैं कदे से, ये मैं कशों की, ये जाम जैसी तुम्हारी आंखें। और एक शेर ये भी समाप्त कीजिए, उन्हें खबर ही नहीं है शायद, वगरना वो आ ही जाते मिलने। अच्छा, आ ही जाते, उन्हें खबर ही नहीं है शायद, नहीं तो वो आ ही जाते मिलने, अगर ये मालूम उनको होता के मुंतजर हैं हमारी आंखें। क्या बात है, हमारे पास मुंतजर भी हैं हमारी आंखों के ऊपर। आपने ध्यान दिया, अगर ये मालूम उनको होता मुंतजर है के मुंतजर हैं हमारी आंखें। एक शेर और समाप्त कीजिए इसी गजल का, के अगर ये मालूम उनको होता के मुंतजर हैं हमारी आंखें। और शेर ये है कि करूं मैं तारीफ इनकी कैसे। क्या बात है, ना इस्तियारा ना कोई तशबी, उपमा अलंकार नहीं। करूं मैं तारीफ इनकी कैसे, ना इस्तियारा ना कोई तशबी,
बदल कहां से मैं लाऊं इनका, है सबसे प्यारी तुम्हारी। अरे वाह, क्या बात, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। बदल कहां से मैं लाऊं इनका, है सबसे प्यारी तुम्हारी आंखें। और इस गजल का आखिरी शेर, बदल कहां से मैं लाऊं इनका, ये शेर मैं फिर पढ़ना चाह रहा हूँ। पढ़ लो, पढ़ लो, कितना मजा देता है। जहाँ पहुँचाना है पहुँचा देंगे हम, पढ़िए। चलिए मैं फिर पढ़ देता हूँ इस शेर को, कि नजर का चश्मा उतर गया है, चमक उठी है हमारी आंखें, निगाह अपनी तो बढ़ गई है, है जब से देखी तुम्हारी आंखें। और शेर ये है कि अभी है मासूम अपनी चाहत, क्या मासूम अपनी चाहत, बचाएं कैसे बुरी नजर से। वाह, बचाएं कैसे बुरी नजर से। अभी है मासूम अपनी चाहत, बचाएं कैसे बुरी नजर से, जमाना आंखें दिखा रहा है, मिली है जब से हमारी। क्या बात है, जमाना आंखें दिखा रहा है, मिली है जब से हमारी आँखें, नजर का चश्मा उतर गया है, चमक उठी हैं हमारी आँखें, निगाह अपनी तो बढ़ गई है, जब से देखी तुम्हारी आँखें। बहुत शुक्रिया। क्या दोस्तों, क्या कहने हो, देखा आपने आँखें कितनी अहम भूमिका निभाती हैं जीवन में। संसार को तो देखती हैं, लेकिन महबूब की खूबसूरती को आँखें तो बयां करती हैं। और अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे नौजवान शायर कवि की ओर, जो कि मैं ये कहूँगी कि संस्कृति संस्कारों के संरक्षण में जो अपनी रचना धर्मिता कर रहे हैं। और बात कर रही हूँ लवेश शर्मा रघु की, जो रघु के नाम से लिखते हैं और सरल अभिव्यक्ति से कठिन जीवन को संभाले हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है एक लेखक की, एक कवि की, कि सरल अभिव्यक्ति से कठिन जीवन को संभालते हैं, अपने कविताओं से, अपनी रचना धर्मिता से अपने साहित्य को संबल दिए हुए हैं। और उन्हीं का एक शेर पंक्ति में आपके समक्ष रखती हूँ कि अपने अपने गम देखे हैं, हंसते चेहरे कम देखे हैं, अपने अपने गम देखे हैं, हंसते चेहरे कम देखे हैं, शबनम को पत्थर देखा है, पत्थर में भी खम देखे हैं। इस अंदाज में कहते, मैंने तो पहले ही कहा था सरल अभिव्यक्ति है, लेकिन कठिन जीवन को अभिव्यक्त कर रहे हैं रघु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लवेश बहुत ही खूबसूरत नाम है, और लवेश शर्मा, लेकिन रघु और भी प्यारा नाम है, पेन नेम है आपका जी। स्वागत, बहुत धन्यवाद सखी जी। अभी सभी गजलगों के सामने मैं एक जी कविता पाठ करता हूँ। मुख्य कविता है जी, इसका शीर्षक है सीमाएं जी। तो थोड़ा आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, पूरी तवज्जो है कि हाँ। मैंने पढ़ा है प्रेम पत्रों में, असीम होता है प्रेमियों का प्रेम, परंतु मैंने ये भी जाना है कि सृष्टि में सब बाध्य है अपनी अपनी सीमाओं में। क्या कहें, क्या कहें। मैंने जाना है कि सृष्टि में सब बाध्य है अपनी अपनी सीमाओं में, हर व्यक्ति वस्तु स्थान की है मर्यादा, जिसका पालन होता है विवशता पूर्वक। क्या कहें, क्या बात है, वाह। हर व्यक्ति वस्तु स्थान की है मर्यादा, जिसका पालन होता है विवशता पूर्वक। मैंने भी लिखा था अपनी किसी कविता में कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए किसी सिंधु समान असीम व गहरा है, परंतु सागर भी तो तटों में बंधा है, गहराई भी सीमित है उसकी। गजब। कि परंतु सागर भी तो तटों में बंधा है, गहराई भी सीमित है उसकी, वे मानो तो बस एक अति विशाल जल कुंड ही तो है। क्या बात है, क्या बात है, अति विशाल जल कुंड ही तो है। बहुत अच्छा। जब गई तुम तो कुछ अंतराल के लिए लगा कि अपरिमित है उद्विग्नता दुख व विरह अग्नि, परंतु मैं उस समुद्र के भी तल तक जा पहुंचा और सहसा आ निकला बाहर। परंतु मैं उस समुद्र के तल तक जा पहुंचा और सहसा आ निकला बाहर। प्रेम अनुराग विरह विराग सबकी सीमाएं मनुष्य ने ही तो रची हैं। प्रेम अनुराग विरह विराग सबकी सीमाएं मनुष्य ने ही तो रची हैं। यदि टूट जाए कुछ सीमाएं तो निश्चित ही आता है प्रलय। जैसे मंदाकिनी तोड़ दे कभी सभी मानव निर्मित बांध और स्वच्छंद बहते हुए पुनः अधिपत्य स्थापित कर ले हिमालय की तराई में। क्या बात है। मानो जैसे खुले महादेव का तीसरा नेत्र और
हो जाए कामदेव भस्म क्षण भर में। बहुत बहुत जैसे किसी श्रमिक को ना मिले उसकी हक की रोटी और उसके भावपूर्ण रुदन से आ जाए दरार मिट्टी के चूल्हे में। जैसे किसी बच्चे को बचपन में सिखाया हो कि लड़के रोते नहीं और भरे यौवन में उद्वेलित हो जाए उसकी दबी संवेदनाएं। क्यों कभी जो टूट जाए संयम शक्ति का और वे कर ले आत्मदाह पुण्य बेदी पर चढ़ दक्ष समक्ष और शिव शिव न रहे। कभी जो टूट जाए संयम शक्ति का और वे कर ले आत्मदाह दक्ष समक्ष पुण्य वेदी पर चढ़ और शिव शिव न रहे। इतने वर्षों से समाज ने दी है हमें केवल सीमाएं, वह भी खुद के बिखर जाने के डर से। दोस्तों यही कहूंगी कि जिंदगी को यथार्थ को बड़ी गहराई से अभिव्यक्त करते, पर मैं हल्के फुल्के अंदाज में ये कहूंगी कौन कहता है लड़के रोते नहीं, हमने अच्छे अच्छों को रुलाया है। फिर से मैं दावत सुखन देती हूँ पवन मुंतजिर जी को। जी पवन जी, एक तरन्नम में कलाम हाजिर है जी। मतरा यूं हुआ है कि जी, कतरा कतरा तमाम पीली है। वाह, कतरा कतरा तमाम पीली है। क्या बात है। जिंदगी चार दिन की जीली है। वाह वाह, अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर पढ़ा जी। कतरा कतरा जी, कतरा कतरा तमाम जी। अगला शेर पीली। वाह वाह वाह, देखना पाओ ठीक से रखना, देखना पाओ ठीक से रखना मेरे दिल की जमीन गीली है। क्या बात है, ठीक से मेरे दिल की जमीन बहुत खूब गीली है। क्या बात है, क्या शेर पढ़ रहे हैं। और शेर देखें कि दस्त की रात ठंड बारिश डर और माचिस गीली है तिली और माचिस में एक तिली है और तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर, पूरी तवज्जो है। आप किसको मना रहे हैं मियां, जिंदगी ये बड़ी हठीली, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदगी ये बड़ी बहुत हठीली है, हठीली है, हठीली है। दिल दिया था तो दिल लिया हमने, दिल दिया तो दिल लिया हमने, वाह। चीज जो दी गई वही ली, वाह वाह वाह, चीज जो दी गई वही ली है, चीज जो दी बहुत दी गई वही ली है। गला थोड़ा दिक्कत कर रहा है। और शेर देखिए के लाल पीली ना हो
हरी सजनी। लाल पे मुहावरा क्या था इसमें? लाल पीली ना हो, लाल पीली ना हो अरी सजनी, हमने पीली है गर तो पीली है यार, हमने पीली है अगर तो पीली है, वाह हमने पीली, लाल पीली ना हो सजनी, हमने पीली है तो अगर पीली है, पीली है। मुहावरा अच्छा यूज किया है, बहुत अच्छा। जिंदगी चार दिन की जीली, बहुत बहुत अच्छा किया। पवन साहब क्या शेर पढ़ेंगे? कतरा 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 तमाम पीली। बहुत बहुत खूब। और मैं अगले शायर तरन्नुम भी बहुत खूबसूरत और एक एक अल्फाज जो है सीधा जिंदगी को बयां कर रहा है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शायर की ओर, मुसव्विर जिनका नाम है, और नाम के साथ तो यही कहूंगी कि लगता है रात का जागा है मुसव्विर, लगता है रात का जागा है मुसव्विर, आंखों से तस्वीर से आंखों की थकन झांक रही है। तो मुसव्विर जी से आमंत्रित है। मुसव्विर जी एक मुख्तलिफ रंग की गजल। जी जी स्वागत है। वो सर्दी से ठिठुरता है न गर्मी ही सताती है। क्या बात है। वो सर्दी से ठिठुरता है न गर्मी ही सताती है, ये मौसम हार जाते हैं गरीबी जीत जाती है। अच्छा वाह बहुत जिंदाबाद। वो सर्दी से ठिठुरता है न गर्मी ही सताती है, ये मौसम हार जाते हैं गरीबी जीत जाती है। मेरे रहबर हटा चश्मा तुझे मंजर दिखाता हूँ। अच्छा, मेरे रहबर हटा चश्मा तुझे मंजर दिखाता हूँ, ये टोली भूखे बच्चों की गजब थाली बजाती है। अरे वाह 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 वाह। मेरे रहबर हटा चश्मा तुझे मंजर दिखाता हूँ, ये टोली भूखे बच्चों की गजब थाली बजाती है। वाह। नजारा देखता हूँ मैं तो आंखें डब डबाती हैं। अच्छा। नजारा देखता हूँ मैं तो आंखें डब डबाती हैं। वो नन्ही गोद सी गुड़िया किसी का बोझ उठाती है। वाह बहुत खूब। नजारा देखता हूँ मैं तो आंखें डब डबाती हैं, वो नन्ही गोद सी गुड़िया किसी का बोझ उठाती है। क्या आईना दिखा। मेरे रहबर मेरे रब चांद पूनम का जरा चौरस ही कर दे तू। अच्छा वाह वाह। मेरे रब चांद पूनम का जरा चौरस ही कर दे तू, गुलाई देखता हूँ मैं तो रोटी याद आज। मेरे रब चांद पूनम का जरा चौरस ही कर दे तू, गुलाई देखता हूँ मैं तो रोटी याद आती है। बहुत खूब। और कोई मखमल के बिस्तर पर सुकून से सो नहीं सकता। अच्छा। कोई मखमल के बिस्तर पर सुकून से सो नहीं सकता, किसी को सूखे पत्तों पर भी गहरी नींद आती क्या है। क्या बात है। हकीकत है। बहुत खूब। मजदूर की आखिरी शेर के तरक्की कर रहे इस मुल्क में हम भी तो शामिल हैं। वाह। उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंचेगा शेर। बिल्कुल पहुंच रहा है मुसव्विर जी। तरक्की कर रहे इस मुल्क में हम भी तो शामिल हैं। शामिल हैं। कभी नमकीन हो चावल तो दावत हो ही जाती है। वाह वाह वाह। तरक्की कर रहे इस मुल्क में हम भी तो शामिल हैं। क्या बात है। कभी नमकीन हो चावल तो दावत हो ही जाती है, वो सर्दी से ठिठुरता है न गर्मी ही सताती है, ये मौसम हार जाते हैं गरीबी जीत जाती है। क्या सच्ची गजल। बहुत शुक्रिया। क्या सच्ची बहुत अच्छा। दोस्तों मैंने तो पहले ही कहा था कि एक एक शेर नोट करने वाला है, कोट करने वाला है, और आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में देर तक रहने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे चार शायर बैठे हैं सभी अपनी गजलें कह रहे हैं, और हर गजल में, एक एक शेर में, एक एक शब्द में जिंदगी का फलसफा है, और बहुत बारीकी से समझाते हैं। और हम तो कहते हैं हम भी बहुत जल्द मुसव्विर जी को चावल पे बुलाने वाले हैं जिसमें नमक डालेंगे। जी फिर से आमंत्रित करती हूँ मैं लवेश को, यानी लवेश शर्मा रघु को। जी रघु जी।
अब जो मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ, मुक्त कविता, इसका शीर्षक है प्रेम पत्र। अभी सबने, जैसे मुसव्विर जी ने बात करी थी कि देश में क्या चल रहा है, वैसे जब आपने, की बात नहीं, जब आपने प्रेम पत्र कह दिया ना तो भूमिका की जरूरत नहीं है, सबने लिख रखे हैं। आप सीधा सुनाइए। ठीक है, तो शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। अधूरे प्रेम की मनमोहकता की अनुभूति विरह का विष ग्रहण किए बिना नहीं हो सकती। क्या बात है। अधूरे प्रेम की मनमोहकता की अनुभूति विरह का विष ग्रहण किए बिना नहीं हो सकती। अधूरा है फिर भी अपने आप में, अधूरा है फिर भी अपने आप में पूर्ण है, यही इसकी विशेषता है। अधूरे प्रेम के तमगे, अधूरे प्रेम पत्र आज भी अलमारी में धूल खा रहे हैं। बहुत अच्छा। सोचा था कि कभी पूर्णता का आभास होगा तो अग्नि को इन्हें समर्पित कर अपने स्मृतियों का तर्पण कर गंगा नहा लूंगा। सोचा था कि कभी पूर्णता का आभास होगा तो अग्नि को इन्हें समर्पित कर अपनी स्मृतियों का तर्पण कर गंगा नहा लूंगा, परंतु ईश्वर ने अभी इसकी अनुमति नहीं दी है, ऐसा प्रतीत होता है। मैं अधूरा ही पूरा हूं, इस सूक्ति को सत्य मानना कितना सही होगा। इसी मंथन में कई चंद्रमाओं की चांदनी को भोर की पहली किरण बनते देखा। क्या बात है। भोर की पहली किरण बनते देखा है। अब लालटेन का युग तो नहीं रहा तो बाती बार बार नहीं बदली। अब लालटेन का युग तो नहीं रहा तो बाती बार बार नहीं बदली, परंतु लाइट जलती छोड़ बहुत बार सो गया हूँ। सत्य से अवगत हूँ, परंतु कुछ स्वयं निर्मित बंधनों से मुक्त होना इतना भी सरल तो नहीं होता ना। अभी भी प्रश्न वही है कि कुछ प्रेम पत्र अधूरे नहीं रहते तो क्या मैं इस जठराग्नि में स्नान कर पाता। मेरे कितने ही प्रेम पत्र रीते रह गए, परंतु मैं पूर्ण हो गया। बहुत ही खूबसूरत पत्र है ये आपका। वो जगजीत साहब ने गजल गा रखी है ना कि वो तेरे खुशबू में बस खत में जलाता है कैसे, है ना, और गंगा में बहा के आया हूँ। लेकिन आपने खुद गंगा में नहाने की बात करी है पत्रों को जला के, तो आप तो पूरे हिंदू सनातन संस्कृति के विधि विधान से पारंगत है, महान पंडित है। जी, यहाँ संस्कृति संस्कार को बखूबी संभाला हुआ है खतों के माध्यम से भी। और फिर से हम आते हैं डॉक्टर जतेंद्र परवाज साहब की, और बहुत खूब कहते हैं, आपने पहले भी अंदाज देख लिया होगा, परवाज साहब की परवाज आपने देख ली है, फिर से एक परवाज और भरते हैं उनकी तरफ और उनको फिर से आमंत्रित करती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक गजल समाप्त कीजिए, मतला पेशे खिदमत है। जी। यूं ही उदास है दिल बेकरार थोड़ी है। यूं ही उदास है दिल बेकरार थोड़ी है, मुझे किसी का कोई इंतजार थोड़ी है। क्या कहने, यूं ही उदास है दिल बेकरार थोड़ी है, मुझे किसी का कोई इंतजार थोड़ी है। नजर मिला के भी तुमसे गिला करूं कैसे। वाह। नजर मिला के भी तुमसे गिला करूं कैसे, तुम्हारे दिल पे मेरा इख्तियार थोड़ी है। नजर मिला के भी तुमसे गिला करूं कैसे, तुम्हारे दिल पे मेरा इख्तियार थोड़ी है। तो ये शेर भी समाप्त कीजिए। मुझे भी नींद ना आए उसे भी चैन ना हो। मुझे भी नींद ना आए उसे भी चैन ना हो मुझे भी नींद ना आए उसे भी चैन ना हो, हमारे बीच भला इतना प्यार थोड़ी है। अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या शेर का है। नींद ना आए उसे भी चैन ना हो, हमारे बीच भला इतना प्यार थोड़ी है। ये शेर समाप्त कीजिए। हमारे समाज की एक तस्वीर, ना जाने कौन यहाँ सांप बनके डस जाए। क्या बात है, हकीकत है। न जाने कौन यहाँ सांप बनके डस जाए, यहाँ किसी का कोई एतवार थोड़ी है। क्या कहने, क्या कहने, क्या बात है। न जाने कौन यहाँ सांप बनके डस जाए, क्या कितना सुंदर आईना दिखाया आपने। एतवार थोड़ी है। और इस गजल का आखिरी शेर, खिजा ही ढूंढती रहती है दर बदर मुझको। खिजा ही ढूंढती रहती है दर बदर मुझको मेरी तलाश में पागल बहार। क्या कहने,
खिजा ही ढूंढती रहती है दर बदर मुझको, मेरी तलाश में पागल बहार थोड़ी है, यूं ही उदास है दिल बेकरार थोड़ी है, मुझे किसी का कोई इंतजार थोड़ी है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस जो महफिल मुशायरा की रूहे रवां हैं डॉक्टर उर्मिल सखी साहिबा, आप जानते हैं कि वो एक अच्छी संचालिका, एक अच्छी एंकर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी शायरा भी हैं। चंडीगढ़ से जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो चंडीगढ़ की पहचान अगर आप किसी शायरा के शक्ल में देखना चाहें तो वो उर्मिल सखी हैं। बहुत खूबसूरत गज़ल कहती हैं, बहुत अच्छा कलाम कहती हैं, तो मैं उनको उनके कलाम के लिए दावत देता हूँ। एक शेर मुझे याद आता है, इस शेर के हवाले से डॉक्टर उर्मिल सखी साहिबा से मैं उनके कलाम के लिए दरख्वास्त करूँगा कि डायरी में सारे अच्छे शेर चुनकर लिख लिए। अच्छा, डायरी में सारे अच्छे शेर चुनकर लिख लिए, एक लड़की ने मेरा दीवान खाली कर दिया। जी बहुत शुक्रिया परवाज साहब। और दोस्तों सीधे वक्त का ध्यान रखते हुए बड़ी नज़ाकत के साथ दिल की बात कहती हूँ और एक सवाल भी छोड़ती हूँ कि इसने कहा उधर घर है, इसने कहा उधर घर है, उसने कहा इधर घर है, मैं पूछती हूँ आखिर बेटियों का किधर घर है, मैं पूछती हूँ आखिर बेटियों का किधर घर है। और इस पर मुकम्मल गजल लेकर आऊंगी जल्द। और एक कविता है, रात को ही लिखी है, आप तो कभी कभी आते हैं लेकिन मुझे संचालन हर बार करना होता है, तो मेरे लिए हर बार एक नई रचना लेकर प्रस्तुत होना पड़ता है, तो रात को ही लिखिए, बिल्कुल ताज़ा ख्याल है। ख्वाबों की महफिल सजा ली है फिर से, ख्वाबों की महफिल सजा ली है फिर से, तुमसे मिलने की राह निकाली है फिर से, फिर से हुआ ये रंगीन मौसम, फिर से हुआ ये रंगीन मौसम, कि मौसम में रंगत पहले वाली है फिर से। और देखिए कि चंदा निकलता है बादल से जैसे, चंदा निकलता है बादल से जैसे, हवा के झोंके सा चले आओ फिर से, और चुनर मेरी लहराने लगी है, चुनर मेरी लहराने लगी है, चली है हवा मुझको उड़ा के जैसे, चुनर मेरी लहराने लगी है, चली है हवा उड़ा के फिर से। और देखिए आखिरी बंद है कि फूल कलियां खिली तितलियां बहकने लगी, फूल कलियां खिली तितलियां बहकने लगी, पिया से सखी फिर से चली, पिया से सखी मिलने चली है फिर से, पिया से सखी क्या बात है मिलने चली है फिर से, ख्वाबों की महफिल सजा ली है फिर से, तुमसे मिलने की राह निकाली है क्या फिर बात से। वाँ 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 बहुत क्या खूबसूरत रचना पड़ी है। जी बहुत शुक्रिया प्रभात साहब। और दोस्तों मक्ता कार्यक्रम का भी है, तो मैं यही कहूंगी दिल से बड़े सुकून के साथ हूं कि आज महफिल में जो चार चांद लगे हैं हमारे आज के जो शायर हैं उनका मैं धन्यवाद, हमारा जस्ट टीवी उनका धन्यवाद करते हैं। और जी हाँ, धन्यवाद करती हूं रघु जी का, प्रभात साहब का, और इधर बैठे हैं मुसव्विर जी और मुंतजर साहब, आप सभी जो हैं आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों फिर आना है लेकर एक और महफिल, तो जाना ही पड़ेगा। जाते जाते बस यही कहूँगी, किसी भी इन्फो के लिए हमें इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर, अपना प्यार दें, सेवाएं दें, अपना जो है प्रतिक्रियाएं दें, और इसी तरह मनोबल बढ़ाते रहिए, हौसला अफजाई करते रहिए। तो अब जा रहे हैं, जाते जाते यही कहेंगे आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।